नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे चौराई का सगौड़ा। हर सब्जी खाते खाते मन ऊब जाता है, तो ये होता है आज क्या बनाए। तो कुछ चेंज करने से स्वाद भी अच्छा लगता है खाने में, और मन भी नहीं बोर होता है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा खाना अगर आप चेंज कर दें तो रोजाना सब्जी बनाते बनाते जब ऊब जाए तो कभी कभार जरूर बनाएं चौराई का सगौड़ा। तो आज हम बनाएंगे चौराई का सगौड़ा, तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना होगा चौराई, जो कि खेत में ही है और ताज़ा। तो चलते हैं हम खेत में ले लेते हैं। तो सभी सब्जियां उजड़ गई हैं, अब चौराई ही बचा हुआ है, एक दो सब्जी बचा हुआ है। यहाँ पे आप देखे होंगे कि बहुत सारी सब्जियां थी, कद्दू उद्दू सब बोए हुए थे। तो हम चौराई ले लेते हैं। तो देखिए कितना सुंदर सुंदर चौराई है, इसी में से हम थोड़ा सा ले लेते हैं जितना हमें बनाना है। तो चौराई दो प्रकार की होती है, एक लाल और एक हरा। तो लाल रंग का था तो हमारे पास था, उजड़ गया है, और इस समय सिर्फ हरा रंग का जो है चौराई वही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर उगा हुआ है। इसे हम काट के ले लेते हैं जितना हमें बनाना है। जितना मुलायम है बस उतना ही हम काटेंगे, जो थोड़ा टाइट है तो उसे छोड़ देंगे। उसकी भी सब्जी बनती है, जो डंठल होता है डंठल की भी सब्जी बनती है, बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। लीजिए देखिए कितना बढ़िया फूल जैसा है चौराई। तो जितना आवश्यकता है जितना जरूरत है हम ले लिए हैं, चलते हैं घर पे, चलते हैं बनाएंगे घर पे। तो लगभग एक पाव गड्डी से, एक गड्डी हम लिए हुए हैं। इन्हें अच्छे से झाड़ लेते हैं इस तरह से ऐसे, तो इसमें जो कीटाणु वगैरह बैठे रहते हैं तो झाड़ने पे निकल जाते हैं। सभी चौराई इस तरह से हम झाड़ के तैयार कर लेते हैं। सभी चौराई झाड़ने के बाद हम इसे दो पानी तीन पानी अच्छे से धुल लेंगे। तो चौराई दो तीन बार पानी से अच्छे से धुल के हमें रख देना है। तो यहाँ पे हम रख दिए हैं पानी निकलने के लिए, जब तक इसका पानी निकलेगा तब तक हम इसके मसाले तैयार कर लेते हैं। कुछ यहाँ पे हम देसी खड़े मसाले लिए हुए हैं, दो चम्मच हम जीरा लिए हुए हैं, एक गांठ हल्दी है, एक बड़ी इलायची, एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी है, दो छोटे छोटे दो तीन टुकड़े छबीला, 10 ग्राम धनिया है, दो तीन से चार लाल मिर्च है, 10-20 आड़ा काली मिर्च है, 4-5 फूल लौंग है, एक टुकड़ा जायफल, 2 से 3 छोटी इलायची। तीन सभी खड़े मसाले से, देसी मसाले से हम बनाएंगे। मसाले के साथ में 2 फूटी छिला हुआ लहसुन है, 7-8 प्याज है, छोटे छोटे हैं। तीन सभी मसाले को हम एक साथ पीस के तैयार कर लेते हैं। कुछ खड़े मसाले जो टाइट हैं उन्हें हम पानी डाल के इस तरह से तोड़ लेंगे। एक खड़ी हल्दी है, देसी हल्दी, आजकल तो बाजार में पाउडर ही आता है तो सब लोग पाउडर ही इस्तेमाल करते हैं। ये वाली हल्दी बहुत ही फायदेमंद होती है, पहले के ज़माने में यही गांठ हल्दी ही ये लोग यूज करते थे, पाउडर नहीं जल्दी यूज करते थे, साधारण खाना ज़्यादातर खाते थे और स्वस्थ रहते थे। थोड़ा सा पानी का छींटा दे दे के सभी मसाले पीस के तैयार कर लेते हैं। तो सभी मसाले हम पीस के उठा लिए हैं, लहसुन प्याज और सभी जो खड़े मसाले हम लिए थे उन्हें पीस चुके हैं। यहाँ पे 2 लाल रंग का टमाटर लिए हैं, तो टमाटर को भी हम पीस के तैयार कर लेते हैं। मसाले पीस के तैयार कर लिए हैं, इन्हें हम ढक के रख देंगे। और चौराई का जो है पानी निकल चुका है, चौराई का पानी पूरा निकल गया है, तो चौराई को हम काट के तैयार कर लेते हैं चीर के। तो सगौड़ा बनाने के लिए जब भी चौराई काटिए तो इसका जो डंठल है इसे ना डालें, इसे इस तरह से काट के अलग कर दें।
जो मुलायम पत्ती होती है इसकी सगौड़ा जो है बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनती है। तो इस तरह से सभी जो मुलायम पत्ती है हम बारीक बारीक काट के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हम पंसल से काट रहे हैं, आप चाहें तो चक्कू से भी काट सकते हैं, पंसल से भी काट सकते हैं, और एक हसिया आता है जिसे गांव में हसिया ही बोलते हैं, उससे भी काटा जाता है। इसी प्रकार डंठल को निकाल के सभी जो नरम पत्ती हैं हम काट के तैयार कर लेते हैं। तो चौराई काट के हम ले लिए हैं, सभी को एक बर्तन हम ले लेंगे जिसमें हमें इकट्ठा करना है, मिक्स करना है। लगभग 200-250 ग्राम चौराई लिए हुए हैं काट के। अब इसमें हम बेसन 200 ग्राम लेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 2 से 3 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच लहसुन कुटा हुआ। इन सभी मसालों को हम हल्का सा पानी डाल के, हल्का सा पानी हमें डालना है, ज़्यादा नहीं, और अच्छे से मिक्स करना है। तो सभी सामग्री को हम मिक्स कर चुके हैं, अब चलते हैं फ्राई करने। तो फ्राई करने के लिए हम लेंगे सरसों का तेल, सरसों का तेल में ही हम फ्राई करते हैं, और आप लोग भी ज़रूर सरसों का तेल ही यूज कीजिए, क्योंकि रिफाइन बहुत ही कम यूज करिए, रिफाइन से बहुत ज़्यादा ही समस्याएं होती हैं, बहुत ज़्यादा ही बीमारी भी होता है, तो कम से कम रिफाइन यूज करिए। आधा पाव के लगभग हम सरसों का तेल लिए हैं, इन्हें अच्छे से गर्म होने देंगे। इस मिश्रण को हम अच्छे से मिक्स कर चुके हैं, अब आप जब भी सगौड़ा बनाइए तो अगर 250 ग्राम आप चौराई लिए हैं तो 200 ग्राम बेसन इसमें लीजिए, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर ही मिक्स कीजिए, ज़्यादा इसे गीला ना करें। आप चाहें तो इस तरह से हाथों में तेल लगा के इसे गोली का आकार दे दें, इस तरह से जितना बड़ा आपको बनाना है, जितना बड़ा छोटा बनाना हो उतना बड़ा साइज में आप इस तरह से गोल गोल बना के रख लें। हम तो कुछ गोल बनाएंगे, कुछ ऐसे ही फ्राई करेंगे, हम लोग क्या करते हैं वैसे ऐसे ही उठाते हैं और बिना गोल किए हुए ऐसे ही फ्राई करते हैं। तो तेल हल्का सा गर्म हुआ है, अब इसमें हम डाल देते हैं जो गोली बना के रखे हुए हैं, एकदम ज़्यादा हीट ना हो, तेल हल्का सा गर्म हो, बस इसे हम इस तरह से फ्राई करेंगे। कुछ को ऐसे हम उठाएंगे और बस ऐसे फ्राई करेंगे, इस तरह से उठाते जाएंगे, बस इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे बिना गोल किए हुए। तो इस तरह से कुछ को हम गोल बनाए हैं, कुछ को ऐसे ही फ्राई कर रहे हैं। तो इसे हमें तेल में छोड़ने के बाद 2 मिनट पकने देना है। 2 मिनट बाद इसे हम थोड़ा सा उलट पुलट देंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो बहुत ही बढ़िया सुनहरा हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। सरसों के तेल में फ्राई करने से बहुत ही बढ़िया मज़ा आता है खाने में, इसका स्वाद ही बहुत ही बढ़िया लगता है, और पहली बात तो स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, दूसरी बात ये जो रिफाइन की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो बीमारियों से भी हम बच जाते हैं। तो हमें सरसों के तेल में ही ज़्यादातर नाश्ता बनाना चाहिए, और हम लोग भी बनाते ही हैं, आप लोगों को भी बताते हैं कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सरसों का तेल ही यूज कीजिए। तो इसी प्रकार सभी हम सगौड़ा बना के तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए सभी चौराई का सगौड़ा वाला पकौड़ा हम काट लिए हैं, फ्राई कर लिए हैं, तो चलिए इसे बनाते हैं। तो जो हम पकौड़ा फ्राई किए हैं तो उसमें से थोड़ा सा तेल खत्म हो गया है और थोड़ा सा तेल बचा हुआ है, तो उसी में हम, तेल हल्का सा गर्म है, धीमी आंच पे हम तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए कुछ मसाले लिए हैं, 2 से 3 तेज़पत्ता है, 1 चम्मच जीरा है, 2 चुटकी हींग है, 1 डंठल कढ़ी पत्ता है, तो इन सभी मसाले को हम इसमें डाल देंगे। हल्का सा तड़का चटकने के बाद इसमें हम 2 बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे,
प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे। तो प्याज सुनहरा हो गया है, अब इसमें हम सभी मसाले जो पीसे हुए थे सभी मसाले डाल देंगे। हल्का सा पानी जो इसे धो के हम डाल देते हैं। तो टेस्टी मसाला जब भी पकाएं थोड़ा सा ढक के पकाएं तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया रहता है मसाले में। तो मसाले को हम ढक देते हैं 2-3 मिनट के बाद फिर इसे हम चलाएंगे एक बार। तो मसाले पक गए हैं, 5-6 मिनट इसे पका लिए हैं। यहाँ पे पीसे हुए जो टमाटर हैं उन्हें भी हम इसमें डाल देंगे। एक बार चला के इसे ढक के 2-3 मिनट तक और पकाएंगे। तो मसाला इधर पक रहा है और इधर हम जिस थाली में पकौड़ा तैयार किए हैं तो उस थाली को अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि इसमें चारों तरफ बेसन लगा रहता है, उन्हें हम छुड़ा के अच्छे से धो लेते हैं पानी से। और यहाँ देखिए मसाला भी बहुत ही बढ़िया पक गया है, मसाला तेल छोड़ दिया है और बहुत ही बढ़िया पक गया है, इसकी खुशबू आ रही है। अब इसमें जो हम थाली धोए हुए हैं तो बेसन वाला थाली था तो उसी को धोए हुए हैं, तो यहाँ पे वही पानी हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हमें आवश्यकता अनुसार पानी और डाल देना है। तो लगभग 1.5 लीटर हम पानी इसमें डाले हुए हैं। अब स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे। उबाल आने तक इसे इंतजार कर लेते हैं। उबाल आ गया है, अब इसमें सभी सगौड़ा या पकौड़ा बोलिए इसमें छोड़ देना है। पहले से आप पकौड़ा अगर डाल देंगे तो पकाते पकाते टूटने लगता है, तो इसलिए जब उबाल आए तभी डालें। तो सगौड़ा इसमें छोड़ने के बाद 10 से 12 मिनट तक इसे हम मीडियम आंच पर पकाएंगे। दस बारह मिनट तक पका चुके हैं, चौराई का सगौड़ा बन के तैयार है। अब इसे हम उतार देते हैं। तो लीजिए चौराई का सगौड़ा बन के तैयार है, अब इसे हम परस देते हैं खाने के लिए। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया लगती है सगौड़ा खाने में, चाहे वो रोटी या चावल के साथ खाएं, चाहे पूड़ी पराठे के साथ खाएं। तो चौराई का सगौड़ा एकदम देसी स्टाइल में बन के तैयार है, तो लीजिए खाइए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट। तो चौराई के सगौड़ा का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। फेसबुक पे जो लोग देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।